नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका EPF यानी कि एग्ज़ाम पाथ फाइंडर पे। चलिए आज बात करते हैं कि हमें किस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करना है। ये वैकेंसी निकली है रवि एंड बीएस वाटर्स ट्रिब्यूनल में असेसर और 9 अदर पोस्ट्स के लिए। जी हाँ, और टोटल वैकेंसीज जहाँ तक हम देख सकते हैं 14 वैकेंसीज है और रिक्रूटमेंट होगा इसमें डेप्यूटेशन के बेसिस पे। असेसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, कोर्ट मास्टर, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंट्स और UDC, ये हैं वो पोस्ट्स जिनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हुई है। वेबसाइट जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो ये रही, अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इससे जुड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन दो तरह के सेंड की जाएगी, एक जो आपको एक फ़िज़िकल एड्रेस दी गई है और दूसरा वाया ईमेल भी सेंड किया जा सकता है जिसका ईमेल आईडी ये है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की दोस्तों, तो यहाँ पे वो भी अटैच्ड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ग्रुप ए और बी के पोस्ट्स खाली हुए हैं जो कि डेप्यूटेशन के द्वारा फिल किए जाएंगे। पे लेवल जैसा कि आप देख सकते हैं 4, 6, 8 से शुरू होकर 11, 12 और 15 तक गई हैं। यहाँ पर हर एक पद के हिसाब से आपको उसका डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें असेसर का, तो उसके 2 पोस्ट्स खाली हुए हैं। ये ग्रुप ए के नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट हैं, पे लेवल 18 है, एज लिमिट 56 वर्ष है और ये या तो डेप्यूटेशन पे हो सकती है, री एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकती है। ठीक उसी तरह नीचे और भी पदों के बारे में डिटेल्स दी गई है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चंस आप रेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम पे आ सकते हैं जिसका लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ आएँ, अपने क्वेश्चंस रेज़ करें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जो इस वैकेंसी से रिलेटेड होगी। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।